केंद्र हर वर्ष कुछ ना कुछ खेल प्रतियोगिताएं करवाता रहता है, जिसमें अनेक खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकसी आदि प्रतियोगिताएँ थी। इन प्रतियोगिताओं में लड़के, लड़कियाँ व महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभ संदेश दिए और कहा कि किस तरह से सभी खिलाड़ी अपनी पूरी एनर्जी के साथ खेलें और प्राइज जीते। आइए देखते हैं क्या कहती है एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा। जिस तरह से स्पोर्ट्स के द्वारा युवाओं को मंच प्रदान किया जा रहा है, इस चीज़ के लिए हम खुद नेहरू युवा केंद्र को, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर को बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो युवा की एनर्जी है, जो यूथ एनर्जी है, अगर सही डायरेक्शन में डाइवर्ट की जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे उनका किसी भी तरह का आर्टिस्टिक इंटरेस्ट हो, तो वो बहुत हेल्प करता है उनको किसी भी गलत चीज़ से बचाए रखने के लिए। जैसा मैं कह रही थी कि पुलिस तो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डील कर रही है ड्रग मेनेस के साथ, और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, और ऐसे मंच और ऐसे प्लेटफॉर्म्स और फ्रीक्वेंट होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जो हमारा यूथ है वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करें। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर महिलाओं की पार्टिसिपेशन देखकर, खास करके जो महिला मंडल, जो अलग अलग गाँव से, अलग अलग ग्राम पंचायतों से जो महिलाएँ आई हुई थी, और उनका जो जो एनर्जी थी, जो उनकी पॉजिटिविटी थी, जितनी इनकरेजमेंट से वो खेल रहे थे और प्राइजेस लेने आए थे, बहुत अच्छा लगा उस चीज़ को देखकर। इसके अलावा हमारे यहाँ पे ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन है, अभी मैंने एक कबड्डी के नेशनल लेवल प्लेयर जो है वो एक लेडी देखी, इसके अलावा जो हमारी वॉलीबॉल टीम्स में लड़कियाँ खेली उनको देखा, तो लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन देम, तो बहुत खुशी हुई देखकर। तो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट।